सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा के बारे में। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होना है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे घोषित कर दी गई है, परीक्षा तिथि इसकी घोषित कर दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एकदम आधिकारिक सूचना यानी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बात कर रहे हैं बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा होनी है, एग्जाम होना है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और कुछ आधिकारिक सूचना एकदम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, वनारक्षी पदों पर बहाली को लिखित परीक्षा जून में। तो यहाँ पे जून में आपकी परीक्षा होने वाली है। अब तक संशय बना हुआ था कि कब तक इसकी डेट आएगी, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो पटना के हिंदुस्तान ब्यूरो में यह आया है, बिहार सरकार के अधीन वनारक्षी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्त के लिए लिखित परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। लिखित परीक्षा के लिए जो तारीख तय की गई है वह 16 जून है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी पर्षद द्वारा नहीं की गई है, पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी टाइम है 16 जून में, इसी की वजह से अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को पब्लिश नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा और वो उसकी तैयारी में जुट गए हैं। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद 16 जून को आपकी एग्जाम करवाया जाएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वन आरक्षी के 902 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस वर्ष जनवरी में शुरू की गई थी। इसके लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक वनारक्षी के लिए 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। पद के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टोटल लगभग 3.25 लाख लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और केवल 2 गुना यहाँ पे अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी 902 तो 1804 कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम में पास किया जाएगा और उनकी शारीरिक परीक्षा यहाँ पे की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटर के आधार पर वाली, यानी इंटर से भर्ती निकली हुई थी। वनारक्षी बनने के लिए इंटर में पास होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की करवाई जाएगी और इसमें गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर 4 गलत करते हैं तो 1 सही के नंबर आपके कट जाएंगे। शारीरिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित है। सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी। तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा टोटल, उसमें से जितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी। और टोटल 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, यानी 1804 कैंडिडेट को लगभग यहाँ पे पास किया जाएगा। 3.25 लाख लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और 16 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा चुके हैं कि 1804 कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 3.25 लाख ने फॉर्म भरा है। जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी पूरी हम आपको बता चुके हैं। आगे भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करा दिया जाएगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। और अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।